थोड़ा सा यहाँ से शुरू, यहाँ से भाई यहाँ पे देखो भाई जरा दूर दूर है, जरा साथ में आइए बैठिए। कौन आया सीधा खड़ा हाथ रहे जरा जरा हाँ रवि साइड हो गई हो गए बाइट कर ली जनता 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 उनके लिए भी लॉट्स ऑफ लव जैसे जैसे है वैसे ही रहना हमेशा और आप लोग कुछ बता दीजिए मतलब के बारे में आप लोग और ये जो मैंने पहना है आई लाइक व्हाइट तो आज चांद वाला सफेद आज मेरे अरे अभी क्या कर रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस करें भाई एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़े और हमेशा एक दूसरे को ऐसे प्यार करते रहें और सपोर्ट करते रहें एक दूसरे को समझे बस यही जिंदगी है यार बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट। सोहेब भाई एक और बात आप दोनों की मैं बात करूँ आप दोनों काफी हैंडसम और आप काफी ब्यूटीफुल दिख रहे हो पर सबसे ज्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ सारी चीजें करके ठीक है तो दिखने वाले को ये दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ बट मैं 45 मिनट में रेडी हो गया हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपकी विदाई की अगर मैं बात करूँ तो तब कितना डिफिकल्ट था सभा को विदा करने में तब डिफिकल्टी कितनी और आपसे जब दीपिका घर आ रही थी आपके यू नो आपके घर आ रही थी तब आप कितना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और जब सभा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा? फॉर मी सभा को विदा करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे बट सभा को अपने घर से दूर करना एक दूसरे शहर में भेजना वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ इमोशनल था कि एक कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कल के लिए क्या रोकूँ मैं कितनी से
अरे क्या कर रहे हैं इस चल रुके और क्या कहना चाहोगे सर ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया काम भी कर लिया साथ में और हाँ एक्चुअली दीपिका का सपोर्ट है इसलिए काफी इजी है बट क्योंकि उन्हें शूट भी करना है बहुत नहीं 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 रुको खड़ा करके तो फोटो क्या कहना चाहोगे हाँ इधर देखो ना उसको लेके एक्चुअली हम यहाँ की बातें करनी चाहिए वो बोली ना मैम थोड़ा सा बता दीजिए उसको लेके भी एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखते रहिए अजूबी और काफी मजा आने वाला है आपको आगे और कुछ नया नया ड्रामा आने वाला है तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा और जैसे हमेशा कुछ अभी पीछे में फोटो कर रहा हूँ फोटो कर लेते हैं फोटो कर लेते हैं प्रेस के बारे में बताइए पहला हाँ वो पकड़ेगा पहले फोटो कर लेते हैं यहाँ पे मैम सेंटर 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 में हाँ चलो अच्छे पीछे आ जा जूम पीछे आ जा उसको भी बोलो क्या प्लीज आगे आगे आ जाइए आइए मैम आइए थैंक यू ओके मैम थैंक यू आइए 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 मैम आइए मैम मैम ड्रेस के बारे में बताइए पूरा जिम्मा उठा के और शादी करी आई थिंक बहुत ही अप्रिसिएशन के काबिल है और बहुत तारीफ के काबिल है ये छोटी बात नहीं होती हमसे पूछो हमारी शादी तो ऐसी हुई थी कि क्या ही बताऊं जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार भाई ऐसे होने चाहिए और भाभी ऐसी होनी चाहिए बहुत मुश्किल होता है लेकिन जब मिलता है तो आप बहुत फॉर्चुनेट होते हो और देश सभा खालिद यह वेरी लकी कि भाभी इतनी अच्छी है और भाई इतना अच्छा है हाँ माइक पे बोलेंगे पहले फोटो कर लेते हैं फोटो 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 अगर अच्छी फोटो नहीं खींची ना देख लेना यहाँ पे अच्छी फोटो भाई जोड़ी तुम लोग ना सिर्फ चढ़ाते हो और कुछ नहीं है झूठे हो एक नंबर के नहीं सच्ची में अच्छी कैसे हो मैम यहाँ पे देखो मैम यहाँ पे चलो आ जाओ मैम यहाँ मैम वहाँ पर आ जाइए हाँ जी।